नमस्कार, मैं सीमा पाल टीसीबी विभाग से होम मैनेजमेंट टीचर। आज की वीडियो में श्रीनिवास आपको मीठी सेवई बनाना बताएंगे। श्रीनिवास, गैस पर जलाइए और कढ़ाई रखिए। इस पर कढ़ाई पर रखिए। श्रीनिवास, हमने मीठी सेवई बनाने के लिए थोड़ा सा आधा चम्मच इसमें घी डाल दिया है श्रीनिवास ने पहले से ही कढ़ाई में। और यहाँ पर हमने कुछ सामान लिया है, जैसे एक मिनट श्रीनिवास उधर ना, जैसे सेवई ले रखा है, दूध पहले से मेजर करके रख रखा है, और थोड़ी सी किशमिश, ग्रेटर किया हुआ नारियल, चीनी, ये सब चीजें हमने पहले से ही श्रीनिवास ने यहाँ पर तैयारी करके रख रखी। श्रीनिवास, अब आप सेवई डालिए। सेवई सेकंड नंबर की कुट बाउल में है। यहाँ पर आधा आधा बाउल हमने सेवई ली है और इससे खुशबू आने तक श्रीनिवास भूनना है आपको। श्रीनिवास, आपको थोड़ी थोड़ी सी खुशबू आने लगी होगी। आ रही है ये? और इसका मतलब जब से खुशबू आनी शुरू हो जाती है तो इसका कलर परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है, और मतलब हल्का सा थोड़ा सा और इसके बाद हम इसके अंदर दूध डाल देंगे। वैसे आप सेवई, दलिया और आपका मूंगफली दाना है, अगर आप चाहे तो पहले से आप भून के रख सकते हैं। अब आप इसके अंदर दूध डाल दीजिए। दूध भी पहले से श्रीनिवास ने करके रख रखा है, जिस बाउल से हमने सेवई ली है उससे ही हमें 2.5 से 3 गुना तक हमें दूध डालना है। डाल दीजिए, आराम से डालिए, सारा डाल दीजिए, सारा डाल दीजिए और एक बार अच्छे से इसे चलाइए और थोड़ी सी देर हम इसे पकाएंगे। धीरे से, अब धीरे से चलाना है, ठीक है श्रीनिवास? अब आप इसके अंदर नारियल और ये किशमिश भी डाल दीजिए। ये पहले से पानी में भिजा हुआ होना चाहिए वैसे किशमिश, हमने यहाँ पर ऐसे ही डाला है। लीजिए, चलाइए। अब आपको थोड़ी सी देर ऐसे ही पकाना है, इसके बाद इसके अंदर चीनी डाल दीजिए। चीनी को डालते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि मतलब आप जिस प्रकार का टेस्ट पसंद करते हैं, कि अगर आप तेज मीठा पसंद करते हैं तो आप इसमें के अंदर 4 चम्मच चीनी डाल दीजिए, नहीं तो 2 से भी अगर कम पसंद करते हैं, नहीं तो 3 सफिशेंट रहेगा। आप चीनी डालना। श्रीनिवास ने चीनी भी पहले से ही अपने एक मतलब बाउल में या डब्बे के ढक्कन में ही निकाल ले हैं। अब इसे अच्छे से चलाइए श्रीनिवास। एक बार अच्छे से चला दीजिए। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हमारी मीठी सेवई बनकर तैयार हो गए हैं। फिर एक नई वीडियो में मिलते नई जानकारी के साथ। धन्यवाद श्रीनिवास, आप गैस को बंद कर दीजिए।